दोस्तों, जब भी आप पहाड़ों की बात करते हैं तो वहाँ की वादियाँ, वहाँ के पेड़, वहाँ का मौसम, ये सब आपको अपनी ओर आकर्षित करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आप सुकून महसूस करते हैं वो आपको शहरों में नहीं मिल पाता है। चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ से लेके बादलों का गरजना और सुकून भरे वातावरण में सुबह की मॉर्निंग वॉक आपका दिन बना देती है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग में, और अभी मैं आ चुका हूँ अपने गांव के स्कूल में। और इस स्कूल में मैंने अपना प्राइमरी एजुकेशन लिया है, तो आज आपको इस स्कूल के बारे में थोड़ा बहुत मैं जानकारी दे देता हूँ। तो जैसे कि दोस्तों, आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है स्थापना वर्ष। तो इस स्कूल का जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1949 में, और इसका जो पुनर्निर्माण किया गया था वो हुआ था 1991 में। तो आज़ादी के 2 साल बाद ही इस स्कूल का निर्माण हो चुका था, और ये आप देख सकते हैं, ये है पूरे स्कूल। यहाँ पे है ये स्कूल का ब्लैक बोर्ड, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे है कार्यालय, तो जितने भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स, जो भी चीज़ें होती हैं वो इस रूम में होते हैं। और यहाँ पे डिज़ाइन बनाए गए हैं, ये आप देखिए, राष्ट्रीय चिन्ह, और ये है राज्य पुष्प ब्रह्म कमल। यहाँ पे एक रूम है, ये है दूसरा दरवाज़ा, और छोटे मोटे आर्ट्स यहाँ पे बनाए गए हैं, ये आप देखिए, ये आप देख सकते हैं। ये और एक यहाँ पे ये बनाया गया है, और इसमें लिखा भी गया है, आप देखिए, आंगनबाड़ी केंद्र माथर बाल विकास परियोजना गैरसैंण जिला चमोली। तो यहाँ पे हम बैठते थे, ये आप देखिए, ये पूरा मैट बिछा रखा है यहाँ पे। और अब ये स्कूल बंद हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा स्टूडेंट नहीं रहे, इस वजह से स्कूल को बंद करना पड़ा। यहाँ पे आपको मैं किचन भी दिखा रहा हूँ। यह दोस्तों, यहाँ पे बनाया गया राजकीय प्राथमिक विद्यालय माथर चमोली किचन कम स्टोर। तो यहाँ पे मिड डे मील का जो खाना बनता था, ये भोजन का मेन्यू आप देख सकते हैं कि सोमवार को दाल चावल क्या बनता है, वो सब चीज़ इसमें लिखा हुआ है। और यहाँ पे किस योजना के तहत ये बनाया गया, कितनी इसकी लागत है, सब यहाँ पे लिखा हुआ है इस किचन का। और यहाँ पे एक टॉयलेट और बाथरूम, और ये है मेन गेट, मेन रास्ता जहाँ से स्कूल में एंट्री लेते हैं। और यहाँ पे बनाया गया था ये पानी का, पानी के लिए बनाया गया था। तो अभी सब कुछ बंद हो चुका है, क्योंकि ये स्कूल भी बंद हो। यहाँ पे बहुत ही शांत सा माहौल हो रखा है, और मैं अपना ऑफिस का काम लेके यहाँ पे आया हूँ, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट बहुत ही अच्छा चलता है। तो स्कूल तो हो चुकी है बंद, तो कभी कभी हम आ जाते हैं अपने ऑफिस का काम करने के लिए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ अच्छी इंटरनेट स्पीड मिलती है, और यहाँ पे थोड़ा सा शांति है, अच्छा बैठने के लिए बना हुआ है माहौल, मौसम बहुत ही ठंडा हो रखा है। तो ये है दोस्तों मेरा लैपटॉप, और मोबाइल से मैंने इसको कनेक्ट कर रखा है इंटरनेट के लिए। और ये है मेरा बैग, और साथ में मैंने एक जूस की बोतल भी रखी हुई है। तो एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, जब हम यहाँ पे पढ़ते थे इस स्कूल में, तो क्या होता था, जब हम छोटे थे तो हम घर से ये जूस लेके आते थे, और इसका एक ढक्कन में हम ऐसे खोल के, ऐसे ढक्कन में, और एक ढक्कन में हम ऐसे जूस डालते थे। और ये आपको दिखा देते हैं, ये है एक पेज के बीच से, तो एक पेज का हम एक ढक्कन का जूस हम पिलाते थे। तो ऐसे करते करते हम पूरे पेज इकट्ठा करते थे, और उसकी कॉफ़ी को जोड़ के बनाते थे। तो ये भी एक चीज़ है जो मुझे आज याद आया यहाँ पे बैठे बैठे, कि हम ऐसा भी किया करते थे जब हम इस स्कूल में पढ़ते थे। तो बहुत सारी यादें इस स्कूल से जुड़ी हुई हैं। Thank you.
है दोस्तों पहाड़ी नीम का पेड़ और इस पे होते हैं काटे। ये काम आता है आपका दांतों को साफ करने के लिए, और इससे आप अगर इसके दाने को चबाएंगे तो ये ब्लड प्रेशर में भी काम करता है, तो काफ़ी लाभदायक पौधा है। पुराने ज़माने में लोग इसी से अपने दांत साफ करते थे। तो अभी आप इसको तोड़ेंगे, थोड़ा कांटे इसमें है तो यहाँ से हम इसको तोड़ेंगे ये, और इसके कांटे निकाल के इससे हम थोड़ा दंत मंजन करेंगे, जिससे कि जो दांतों में जो कीड़े लगने की समस्या है, मुंह की जो दुर्गंध है, ये सबको दूर करता है।